पैसे तो लिए मगर जमीन ना दी। एलडीए ने आवाम के बाद सरकारी इदारों को भी मामू बना दिया। 36 माह बाद भी टेपटा को सब्जार में प्लॉट अलॉट ना हो सके। तफसीलात के लिए बात करेंगे हमारे नुमाइंदा शेख जैन से। जी शेख जैन, बताइएगा एलडीए ने सरकारी इदारों को भी टोपी पहना दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर इसको ये कहा जाए कि एलडीए ने टेपटा के साथ भी हाथ कर दिया तो ये गलत नहीं होगा। इस सिलसिले में एलडीए गवर्निंग बॉडी इजलास में टेपटा को सरकारी अराजी फ्राहम करने का एजेंडा मंजूर हुआ और इस सिलसिले में सब्जाजार में इनको एक अराजी फ्राहम की जानी थी जहां पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनना था, मगर एलडीए ने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन ताहाल अराजी फ्राहम नहीं की। यही वजह है कि वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने में अभी तक टेपटा को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इस सिलसिले में जो टेपटा के मैनेजर की जानिब से एक मरासा लिखा गया डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट को, उसमें ये कहा गया है कि टेपटा ने 1 जनवरी 2016 को प्लांट के एवज जितनी भी रकम वाजिबुल अदा थी वो तमाम तर अदा कर दी है, मगर एलडीए ने 36 माह बाद भी टेपटा को प्लॉट अलाट नहीं किया। तो इस मरासले में ये दरख्वास्त की गई है एलडीए से कि टेपटा सब्जाजार में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाना चाहता है, लिहाजा एलडीए जल्द अज जल्द प्लॉट की अलाटमेंट का अमल है उसको मुमकिन बनाए। इसके बाद अब डीजी एलडीए की जानिब से डायरेक्टर स्टेट मैनेजमेंट को यह हदायत जारी की गई है कि सब्जाजार में जो ठीक है, एलडीए ने पैसे तो लिए मगर जमीन न दी। बहुत शुक्रिया शेख जैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे।